परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आलू की कीमतों में कमी किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, जिसे लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बैठक की। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण पोर्टल का भी उद्घाटन किया। किसानों को लेकर अब तक ये तीसरी बैठक हो चुकी है। आलू किसानों की समस्या एक लगातार लोगों के ध्यान में थी कि आलू किसानों की बड़ी समस्या है, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आलू किसानों की समस्याओं को समझ करके और उसको कैबिनेट में रखने के लिए एक मंत्री समूह का मेरी अगुवाई में गठन किया था, जिसमें आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी हमारे कृषि मंत्री जी हैं, आदरणीय राजेश अग्रवाल जी उसमें हमारे वित्त मंत्री जी हैं, आदरणीय दारा सिंह चौहान जी जो वन पर्यावरण उद्यान के माननीय मंत्री हैं। और इन तीन बैठकों में हम लोगों ने बहुत गंभीरता से सभी पक्षों पर विचार किया है और इसके निर्णय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे आलू का, उनके साथ धोखा हुआ, वो मजबूर हैं आलू किसान के, अपना जो उनका उत्पाद है उसकी लागत भी उनको नहीं मिल रही है, उनके ऊपर कर्जा है, आत्महत्या करने की स्थिति में है। अगर उनके परिवार के सदस्य विधानसभा के सामने या लखनऊ की सड़कों पर आलू लेकर के आ जाएंगे तो उनको जेल होगी, उनके साथ अभद्र व्यवहार होगा, उनके खिलाफ मुकदमे होंगे। ये भाजपा सरकार किस तरह की सरकार है, जिसका दोहरा चरित्र है, जो किसानों के साथ धोखा करती है, किसानों के साथ छल करती है और उनके साथ किसी तरह का भी न्याय नहीं करती है, और लगातार उनको इस तरह के अंधेरे में ले जाना चाहती है कि हम उनके साथ न्याय कर रहे हैं। ये तरीका कोई भी निर्वाचित सरकार है वो ये तरीका लोकतांत्रिक भी है और असंवैधानिक भी है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया।